सो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे सामने जो एक गाड़ी जा रही है भोपाल नगर निगम ने शायद इसको सैंपल के तौर पे उठाई है क्योंकि इस पर नंबर नहीं दिख रहा मुझे। दुलेवो इंटरनेशनल, ये सक्शन मशीन मुझे दिख रही है जहाँ तक है, और PM10 डस्ट को फिल्टर करने के हिसाब से आप देख सकते हो कि राइट साइड में कुछ ब्रूम सॉर्ट ऑफ चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ये कैसे काम करती है, बट दिल्ली में जो मैंने देखा है वो पूरा रोड के कोने कोने साफ़ करते हुए जाती है और सक करती जाती है, जो जैसे आपका वैक्यूम है काम करता है वैसे ही ये मशीन काम करती है, डस्ट को सक कर जाती है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो हानिकारक तत्व हैं जैसे स्पेशली PM10 वो मौजूद नहीं रहता। सो अच्छी गाड़ी है, अच्छा इनिशिएटिव है, और ऐसे इनिशिएटिव्स होते रहने चाहिए, और इसी का रिज़ल्ट है कि जो सफाई आप देख रहे हैं। सॉरी फॉर द शेकी वीडियो, बट थोड़ा सा वाइब्रेशन है मेरे फ़ोन स्टैंड में जो लगा हुआ है यहाँ पे, और इसलिए थोड़ा धीरे ड्राइव करूँगा। सो ये जो साफ़ सफाई आप देख रहे हो सड़कों पे, ये इसका वजह यही है कि भोपाल नगर निगम लगातार कोशिश करता रहता है कि कैसे शहर को स्वच्छ रखा जाए, और लोगों का भी योगदान है कि लोग भी ज़्यादा कचरा नहीं फेंकते। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे शहर के रिसोर्सेज के ऊपर, शहर के ऊपर दबाव पड़ने लगता है और इस तरह की समस्याएं बड़ी आम हो जाती हैं। तो ये देखिए कि सामने एक वैन खड़ी हुई है, सूखा और गीला कचरा अलग अलग ये पिकअप कर रहे हैं डोर टू डोर जाके। दो वैन्स हैं एक्चुअली, और एक ये सीवेज साफ़ करने के लिए, चैम्बर साफ़ करने के लिए मशीन खड़ी हुई है। सो पूरी कमर कस के रखी है भोपाल नगर निगम ने, उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि सही दिशा में हम जा रहे हैं। लगातार 2 साल से हम नंबर 2 की पोजीशन पे हैं देश में स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर। इस साल कोशिश है कि नंबर 1 आए, लेकिन इंदौर जो हमारा कंपेटिटर है, मध्य प्रदेश का ही एक बड़ा शहर है, व्यावसायिक राजधानी है, वो लगातार 2 साल से नंबर 1 रहा है। इस साल भी कोशिश कर रहा है नंबर 1 जाए, और बहुत टफ़ कॉम्पिटिशन जो है दोनों शहरों के बीच में चल रहा है। और 2014 के बाद से जो ये बदलाव आया है हमारे लोकल गवर्नेंस के अंदर, कि लोकल गवर्नेंस बॉडी जो है उनके बीच में कंपटीशन चल रहा है कौन बेहतर परफॉर्म कर सकता है, कौन बेसिक एमिनिटीज़ अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है और शहर को स्वच्छ रख सकता है, ये कंपटीशन पहले कभी ना था इस तरह का। और इसका फ़ायदा जो है अल्टीमेटली लोगों को मिल रहा है, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट, कम बीमारियाँ फैलती हैं, यू नो अच्छे स्पेसेस मिलते हैं लोगों को, और काफ़ी सारे लोगों के लिए इस यू नो तरह के कॉम्पिटिशन के कारण, इस तरह की पॉलिसीज़ के कारण कि स्वच्छता पर ध्यान देना है, तो काफ़ी नए रोज़गार भी जनरेट हुए हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक मशीन दिखाई, तो ये मशीन का जो ऑपरेटिंग स्टाफ है ये भी एक नया रोज़गार है, राइट, पहले नहीं था ये। काफ़ी सारे यू नो नंबर्स में स्वच्छता कर्मी भर्ती हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय किया गया है अवेयरनेस फैलाने के लिए कि स्वच्छता से फ़ायदा क्या होता है। तो यू नो ऑन ग्राउंड आप देख सकते हैं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ एंड ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, मैं एरियाज क्रॉस करता जा रहा हूँ, और आप देख रहे हैं कि ये अगर ये पूरा आसपास का एरिया स्वच्छ है तो इसका मतलब है कि नगर निगम भोपाल अपने पूरे जोर शोर से, पूरे ईमानदारी से, मेहनत से काम कर रहा है। एंड सड़क के बीच में कुछ पड़ा हुआ है, नो आइडिया व्हाट इज इट, शायद किसी गाड़ी का कुछ हिस्सा है। सो इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू कंग्रेचुलेट भोपाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वंस अगेन, महापौर साहब, सारे पार्षद, सारे अधिकारी, कमिश्नर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टेक अ बाउ, जय हिंद।